नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल FCLK9304 में। दोस्तों, आज का चर्चा का महत्वपूर्ण विषय रहेगा हमारा इलेक्ट्रिक बाइक या फिर पेट्रोल बाइक। दोस्तों, दोनों में अंतर क्या है, इसको जानने से पहले हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारी ये वीडियो आप पूरा देखिएगा ताकि आपको इलेक्ट्रिक बाइक और पेट्रोल बाइक में थोड़ा सा अंतर समझ आ जाए और उससे क्या क्या हमें फ़ायदा हो सकते हैं। इसलिए आप हमारी वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, कैसा रहेगा कि हमारे देश में हमें बहुत सारी चीज़ें देखना पड़ती हैं, जैसे प्रदूषण कम से कम हो, प्रदूषण की समस्या ही ख़त्म हो जाए। अगर ऐसा कुछ हो जाए तो कैसा रहेगा। जैसे कि आप अगर पेट्रोल की गाड़ी खरीदने जाते हैं, यानी कि पेट्रोल की जो बाइक या फिर कार आप खरीदने जाते हैं, तो आपको उसको भारी भरकम रुपया चुकाना पड़ता है और उसको आजीवन चुकाते रहते हैं। जैसे कभी पेट्रोल या फिर उसका इंश्योरेंस, या फिर आपको इंश्योरेंस तो इसमें भी चुकाना पड़ेगा आपको इलेक्ट्रिक बाइक में, लेकिन पेट्रोल के साथ में आपको डेली पेट्रोल के जो दाम बढ़ रहे हैं उनसे आपको दिक्कत हो सकती है। पेट्रोल हो या डीजल, इनके दाम कंपनियां अब इस समय लगातार बढ़ाती जा रही हैं। इसको कम करने के लिए, और इससे प्रदूषण भी होता है, लेकिन अब मार्केट में अवेलेबल हैं आपके लिए इलेक्ट्रिक बाइक। दोस्तों, जब इलेक्ट्रिक बाइक हमारे देश में उपलब्ध हैं तो मुझे लगता है कि सबसे बेटर अपॉर्चुनिटी आपके लिए है, क्योंकि पेट्रोल से प्रदूषण होता है। जब वो इंजन में जाता है तो इंजन उस तरीके से धुआं निकालता है, लेकिन जब इलेक्ट्रिक बाइक आपके पास होगी तो मुझे नहीं लगता कि उससे ज़्यादा बेटर कोई और हो सकती है। क्योंकि एक तो वो ध्वनि प्रदूषण नहीं करेगी, ऊपर से उसका प्रदूषण का झंझट भी ख़त्म होगा, और एक और बढ़िया चीज़ है कि उसमें कोई पोल्यूशन की गुंजाइश ही नहीं है। दोस्तों, यही चीज़ पेट्रोल और इलेक्ट्रिक बाइक का जो कंपैरिजन है, ये देखते हैं कि रेंज कहाँ तक जाती है। दोस्तों, जैसा कि आप पेट्रोल का देखते हैं कि 60,000 रुपये से लेकर के 70-80 या फिर 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख तक की गाड़ी जाती है, और रोड हमारे देश के वही हैं। उन्हीं पर गाड़ियां जो एवरेज देती हैं वो 40 से 60 तक, कोई भी हल्की से हल्की या फिर भारी से भारी गाड़ियां इतना ही और एवरेज देती हैं, इससे ज़्यादा एवरेज ये नहीं देती हैं। इसी प्रकार अगर आप इलेक्ट्रिक बाइक लेते हैं तो खर्चा इसका भी इतना ही आएगा, 60 से नीचे तो इसका कोई है ही नहीं, 70-80-90, 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख। इसी प्रकार से अलग अलग कंपनियां अपना टैक्स जो दे रही हैं उन्हीं के माध्यम से निकाल रही हैं। दोस्तों, अगर ये गाड़ियां आपको मिल जाती है तो एक गाड़ी जो इस समय चल रही है ये जून तक मार्केट में अवेलेबल हो जाएंगी। दोस्तों, सबसे बड़ी बात हमें ये देखने को मिलेगी कि हम इलेक्ट्रिक बाइक लेने से क्या क्या फ़ायदे होंगे। दोस्तों, इलेक्ट्रिक बाइक लेने से आपको, जैसा कि मैं अभी पीछे बता रहा था आपको, कि उसमें आपको पॉल्यूशन मुक्त गाड़ी रहेगी, चार्जिंग की ज़्यादा झंझट भी नहीं रहेगा, और अपनी बाइक को कभी भी उठा करके आप जा सकते हैं। वही चीज़ जो सेम पेट्रोल में मिल रही है वही चीज़ आपको इलेक्ट्रिक में मिलेगी। उससे फ़ायदा ये रहेगा कि आपको बार बार लाइन में लगना नहीं पड़ेगा, बार बार बढ़ती कीमतों से आपको जूझना नहीं पड़ेगा। दोस्तों, जानते हैं इलेक्ट्रिक बाइक के कुछ फीचर्स के बारे में। जैसे दोस्तों, आपने देखा होगा कि इस समय मार्केट में जून में आने वाली हैं बाइकें, तो उसका जो बैटरी पैकअप रखा गया है अभी फ़िलहाल उसका, दोस्तों इसमें ग्राहकों को 4.8 किलोवाट प्रति घंटे के हिसाब से बैटरी फिक्स होती है, जिसमें 3.2 किलोवाट प्रति घंटे के हिसाब से ये चलती है। इसमें जो रिमूवल बैटरी है वो आपको 1.6 किलोवाट प्रति घंटे के हिसाब से इसमें बैकअप मिलता है। दोस्तों, अगर इसको आप एक बार चार्ज कर लेंगे तो लगभग लगभग इसे
236 किलोमीटर या फिर और भी ज़्यादा चला सकते हैं, क्योंकि कंपनियों ने जो अभी तक रेंज निकाली है इसकी 236 किलोमीटर की निकाली है। ये एक हाईजेस्ट जिसकी कीमत आपको 1,00,000 से ऊपर चुकानी पड़ेगी, ऑल टैक्स इसमें शामिल होंगे। और अगर कोई ग्राहक और मतलब 300 किलोमीटर की रेंज वाली लेना चाहता है तो उसके लिए 6.4 किलोवाट प्रति घंटे के हिसाब से इसमें चार्जेबल रहेगा, यानी कि इसमें दो रिमूवल बैटरी फिक्स हो सकेंगे। मेरे प्रिय साथियों, जैसा कि आप अगर मार्केट में लेकर कहीं चल रहे हैं और आप को ध्यान ना रहे तो आपका ये बैटरी बैकअप बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद आपको रहेगा। मेरे प्रिय साथियों, मुझे उम्मीद है कि आप इस बातों को समझ पा रहे होंगे, क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा मारामारी इस समय पेट्रोल और डीजल की चल रही है। तो मेरे प्रिय साथियों, अगर ग्राहक इसे 300 किलोमीटर और एक्स्ट्रा लेना चाहते हैं तो उनको 36,000 रुपये एक्स्ट्रा चुकाना पड़ेगा, यानी कि लगभग 1,45,000 के आसपास इसको चुकाना आपको पड़ेगा। दोस्तों, ये अलग अलग राज्यों की बातें होती हैं जो आपको सब्सिडी के रूप में वापस भी मिलेंगे पैसे, यानी कि एक गाड़ी जब आप 300 किलोमीटर की रेंज में जब आप लेंगे तो उसमें आपको यानी कि 36,000 जो एक्स्ट्रा जा रहे हैं उसमें आपको कंपनी जब आप सब्सिडी जो राज्य के द्वारा मिलती है उसमें लगभग 1,00,000 या फिर 1,25,000 के आसपास इसकी रेंज घट के आ जाएगी, आपको सब्सिडी का उसका फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों, इसमें जो बैटरी बैकअप जो बैटरी की जो कैपेसिटी होती है कंपनी जो दे रही है वो 1,50,000 किलोमीटर, यानी कि 8 साल में वो आपको 1,50,000 किलोमीटर के रेंज की दे रही है। उसकी वारंटी है 8 ईयर की, और उसकी जो मोटर जो उसमें फिट की गई है उसकी जो गारंटी है वो 5 ईयर की है, यानी कि 5 साल की है। दोस्तों, अगर आप इस बाइक को लेना चाहते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए ये बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी रहेगी। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सकता है और दोस्तों तक इसे ज़रूर पहुंचाने की कृपा करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।